दोस्तों आप देख रहे हैं स्टेंजर 500 का पीवीटी 500 ही, इसका रियर फेस है एंड ये बैग, ये बैग इसमें ये दे रखा है लाइन इन लाइन आउटपुट, आउटपुट ओम्स 2-4 फैंस इसका। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉल्यूम चेंज करना। तो वॉल्यूम चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें वॉल्यूम लगता कौन सा है। इसमें वॉल्यूम टोन जो मास्टर में यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है A10K, एंड बेस में ट्रेवल में वॉल्यूम यूज किए जाते हैं वैल्यूज B100K। ओके सो हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं। वॉल्यूम चेंज करने के सबसे पहले इसको खोलना होगा यहाँ से, तो खोलने के लिए यहाँ से खोलेंगे। खोलने के बाद खोलते हैं, खुलने के बाद ये देखिएगा वॉल्यूम खुल गया है। खुलने के बाद इसमें कनेक्शन लगे हुए हैं पीछे, देखो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे ये कनेक्शन। ये जो मेन ऑडियो है जो पीछे लाइन इन से आता है, इसमें दिख रहा होगा लाइन इन, यहाँ से जी ये मेन ऑडियो यहाँ से आ रहा है, ये ऑडियो ये आ रहा है ये ग्राउंडिंग, और ये इधर जिस वॉल्यूम से ओके सिस्टम के लिए जा रहा है। सो इसमें ये ग्राउंडिंग हम डायरेक्ट कर देते हैं, और जो वीडियो ऑडियो जो आ रहा है उसे यहाँ साइड में लगाएंगे, और इसके बेस पे जो हम लगाएंगे जो वीडियो ऑडियो हम लेना है यहाँ से सिस्टम के लिए। ना वॉल्यूम चेंज करने पीछे इसमें बीच वैल्यू दे रखा है, दिख रहा होगा दोस्तों A10K। इसमें कवर लगा हुआ है एक्चुअली अभी, तो हम कवर को उठाते हैं, कवर हट चुका है दिख रहा होगा सेफली। इसमें A10K लगा हुआ है, AB10K एंड A10K दो आते हैं, लेकिन जनरली हमें इसमें A10K ही यूज करना है। ऑब्वियसली अगर हम इसमें B10K यूज करते हैं तो ऑडियो में थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी, तो इसमें हम ऑब्वियसली लग के एक्चुअली ओरिजिनल A10K ही आता है, तो A10K ही यूज करेंगे। अब इसको हमें अपना आयरन यूज करना है, इससे वायर को सीधे डिसोल्ड करना है। डिसोल्ड करने के बाद इसमें हम दूसरा नया परचेज करके जो लेके आए हैं, क्योंकि मेरे पास ये है नया, इसमें ये चेंज करेंगे सेम वैल्यूज सेम थिंग्स सेम लोग उसमें लगा सकते हैं।